है, बिजली की खपत भी बढ़ रही है, पानी की किल्लत कहीं ना कहीं अभी भी लोगों की बेइज्जती कर रही है, क्या स्थिति अभी के समय में? देखिए, अभी जो मुझे वज़ीराबाद पॉन्ड के लेवल्स पता चले हैं वो है, वो अभी भी 668 फीट के करीब है, जो 674.5 फीट होना चाहिए। तो यमुना में जो है कम पानी हरियाणा की तरफ से छोड़ा जा रहा है, और अब तो हरियाणा सरकार ने मान भी लिया है कि जो है उनकी तरफ से पानी कम छोड़ा जा रहा है। तो हमसे उनसे यही हमारा अनुरोध रहेगा कि उस पानी को वो छोड़ें, ताकि जो है दिल्ली के अंदर ही जो पानी की कमी है इसको दूर कर सकें। ये अभी आप लोग क्या, आपके अधिकारी गए थे तो कुछ वहाँ पे संतोषजनक कोई जवाब आया है? देखिए, अधिकारियों की तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉलिटिकल लीडरशिप को जो है, हरियाणा की पॉलिटिकल लीडरशिप जो है, मिस्टर खट्टर जो हैं, वो अगर उनको इंडिकेशन देंगे तो वो पानी छोड़ेंगे यमुना में। दूसरा मुद्दा कर दी गई है कल से, यानी कल से वो इफेक्ट में आ जाएगा 22 मई से, और उसके लिए एक स्पेशल ऑफिसर की नियुक्ति केंद्र सरकार की तरफ से की गई है, और ये वो ऑफिसर है जिनकी जब दिल्ली सरकार में जब हुआ करते थे तब दिल्ली सरकार से काफ़ी अनबन रही, वो चाहे PWD विभाग में रहे या विजिलेंस में रहे हो, प्रिविलेज कमेटी तक के पास वो मामला गया था, आप कमेटी को हेड कर रहे थे उस समय। देखिए, मुझे पहली बात तो मेरी तरफ से ज्ञानेश भारती जी और अश्विनी कुमार दोनों को ही जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं, मगर ये बात सच है कि अश्विनी कुमार जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी PWD थे तब पिटिशंस कमेटी ने उनको जल भराव की समस्या के लिए बुलाया था। जैसा कि अब आप देखो मॉनसून आएगा, जल भराव होगा, और क्योंकि कोर्ट ने इनको एक नोडल ऑफिसर बना रखा था कि ये MCD, PWD, फ्लड और जल बोर्ड सबके नोडल अफसर थे, कि इन एजेंसियों के द्वारा काम किया जाए, डिसिल्टिंग की जाए, नालों की सफाई की जाए, ताकि जलभराव ना हो। और इन्होंने कमेटी के अंदर जो तथ्य रखे थे उसके अंदर इन्होंने कहा था कि अधिकतर नालों की सफाई हो चुकी है, और जब कमेटी खुद जो है ग्राउंड पे पहुंची और इनको भी लेके गए, अश्विनी जी साथ थे, तो वीडियो रिकॉर्डिंग की गई कि ऐसे दर्जनों नाले जो है जो हमने चेक किए उनके अंदर अड़ोस पड़ोस के लोगों ने बताया कि कभी डिसिल्टिंग हुई नहीं थी। तो हमने सरकार को सिफारिश की कि इसकी विजिलेंस जांच होनी चाहिए कि करोड़ों रुपए के टेंडर दिए गए मगर डिसिल्टिंग, जो नालों की सफाई के जो टेंडर दिए गए वो ठेकेदारों को करोड़ों रुपया तो मिल गया मगर नालों की सफाई नहीं हुई, तो इसकी एक विजिलेंस जाँच होनी चाहिए। और हमने बहुत एक सैद्धांतिक बात कही कि जिनकी जांच होगी PWD विभाग की, उसी के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं अश्विनी कुमार, वही विजिलेंस के भी जो है हेड हैं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि आप PWD और विजिलेंस दोनों नहीं कर सकते, फिर आप एक करेंगे, उसको लेके थोड़ा सा ये रहा। बट मुझे लगता है कि वो डिपार्टमेंट्स के साथ जो है कमेटीज़ का इस तरीके का रिश्ता है, क्योंकि कमेटीज़ जो है डिपार्टमेंट्स की जवाबदेही तय करती हैं, तो अक्सर जो अफसर जहाँ पर आते हैं उनके सवाल जवाब जो है कमेटी को करना चाहिए। मगर हमारी तरफ से अब जो है अश्विनी जी को जो है आगे के लिए शुभकामनाएं हैं। वो मामला आज भी है जो आप बता रहे हैं, मामला आज भी मैं जिस तरह से खींचातान हुई थी, अब क्योंकि उन्हीं को पूरी MCD को हेड करना है और दिल्ली सरकार के साथ समन्वय जरूरी है, जी जी तो लगता है कहीं ना कहीं इफेक्ट हो सकता है समन्वय में गड़बड़ी। नहीं, मुझे लगता है कि हमारे यहाँ तो जो अफसर सीट पर बैठा है उस अफसर से सवाल जवाब किए जाते हैं इनके ऊपर। मुझे याद है कि शायद एक प्रिविलेज का मामला भी था जो अभी पेंडिंग है दिल्ली विधानसभा के अंदर, मगर क्योंकि ये उस वक्त जो है ट्रांसफ़र हो गए थे दिल्ली के बाहर, तो हमने इनको कभी बुलाया नहीं, क्योंकि हमारा मकसद ऐसा नहीं था कि किसी को पर्सनली जो है हम लोग टारगेट करते हैं। वो प्रिविलेज का मामला आज भी पेंडिंग है, तो उसके अंदर हमने, क्योंकि आउट ऑफ स्टेशन गए तो हमने कोई इनके से जो है ऐसी व्यक्तिगत वो नहीं रखी, और हम उनको शुभकामनाएं देते हैं उनको भी। काम ठीक से होगा समन्वय के साथ। देखिए, हमारी तरफ से तो देखिए ज्ञानेश भारती जी को और अश्विनी कुमार को दोनों ही शुभकामनाएं, क्योंकि बहुत चैलेंज है MCD के लिए, MCD की राह जो है आसान नहीं है। MCD के अंदर अब जो फंड की बात, MCD रोज कहती कि दिल्ली सरकार दे, अब वो केंद्र को देना है, अब केंद्र सरकार के ऊपर आएगा कि वो कितना फंड MCD को देती हैं, कितना तनख्वाहें जो हैं लोगों को मिलती हैं, MCD के अंदर साफ सफाई का काम कितना होता है, MCD में जो मकान बनाने को भ्रष्टाचार है उस पर क्या कोई लगाम लगती है, ये सारी चीज़ें जो है अब लोग जो है केंद्र सरकार का आकलन करेंगे कि वो MCD किस तरह चला रहे हैं। जी जी। एक दूसरा मुद्दा जो बीने का अलग पुल बना रहा है उस पर जो भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से जवाब आया एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से कि वहाँ पे जो इलीगल ऑक्यूपेशन है वो 1960 से ही है। देखिए, ये बहुत ज़्यादा दुख की बात है
कि जो जानकारी सरकार को अपने देशवासियों को देनी चाहिए वो जानकारी सरकार छुपा रही है। चाइना लगातार ऐसी ज़मीन पर जो चाइना की नहीं है उस पर कब्ज़ा जमा रहा है, वहाँ पे वो नकली गांव बसा रहा है, वहाँ पे वो रोड बना रहा है, वहाँ पे वो पुल बना रहा है। इसका मतलब चाइना हिंदुस्तान के ऊपर हमला करने की तैयारी कर रहा है और चाइना हिंदुस्तान के एक बड़े हिस्से को और कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहा है और लगातार कब्ज़ा कर रहा है। और भारतीय केंद्र सरकार जो है सिर्फ अपनी झूठी वाहवाही के लिए, अपनी झूठी शान के लिए इस बात को बताना तक नहीं चाहती देश को कि ये सब हो रहा है, बल्कि लोगों को इससे छुपाया जा रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ये सरकार तो कुछ सालों बाद चली जाएगी मगर हज़ारों वर्ग मीटर ज़मीन जो चाइना कब्जा कर रहा है, रोज़ लगातार जो है कब्जा कर रहा है, वो कैसे वापस आएगी। इसी से जुड़ा कुछ केंद्रीय जो रक्षा मंत्री उन बयान आया, खासकर उन्होंने चाइना और इंडिया के फिसों का जिक्र किया और कहा कि अगर उसकी सच्चाई देश के सामने हम रख दें तो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार ने अपने डर के कारण भारतीय सेना को अपना पराक्रम नहीं दिखाने दिया। ये केंद्र सरकार की नाकामी थी और इन लोगों का डर था जिस कारण आज चीन जो है हिंदुस्तान को आंखें दिखा रहा है। इस वक्त तक तो हमें इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय फोरम तक ले जाना चाहिए था कि चीन ने ये हिमाकत कैसे की और हम क्या कर रहे हैं। हम 30,000 रेलवे की पहियों का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो चीनी कंपनी को दे रहे हैं। वंदे मातरम एक्सप्रेस के पहिए जो हैं वो चीन की कंपनी बनाएगी, केंद्र सरकार ये तोहफा दे रही है। तो ये जो है ये बात साफ आती है कि क्योंकि केंद्र सरकार के करीबी जो उद्योगपति हैं उनकी अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट जो है चीन के साथ है, इसलिए चीन जो के साथ जो है ये किसी भी तरीके की कन्फ्रंटेशन नहीं चाहता है। भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक चल रही है राजस्थान में हो रही है, तो उन्होंने उनकी तरफ से कहा गया कि मोदी सरकार के कार्यकाल में जो सीवियर पॉवर्टी थी वो कम हुई है। मुझे लगता है कि देखिए वो तो क्या कहते हैं सरकार के की पार्टी जो है उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें कहेंगे। मुझे लग रहा है कोई भी आंकड़े निकाल लिए जाएं, गरीबी का आंकड़ा, बेरोज़गारी का आंकड़ा, महंगाई का आंकड़ा, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का आंकड़ा, हर आंकड़े में पिछले 8 साल में केंद्र सरकार पूरी तरीके से विफल रही है। इन्होंने इस तरीके के कीर्तिमान और वो साफ 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 सामने है। डॉलर की कीमत रुपए के मुकाबले देख लीजिए, पेट्रोल की कीमत देख लीजिए, आटे दाल चावल की कीमत देख लीजिए और बेरोज़गारी की कीमत देख लीजिए और फिर आप कहें कि गरीबी कम हो गई, ये कैसे संभव है। तो दूसरा मुद्दा है जो केंद्रीय मंत्री अभी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से मिलने का उनका कार्यक्रम है, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो अभी स्थिति है और बीजेपी की जो स्थिति है उसको देखते हुए कोई थर्ड फ्रंट की? देखिए, लोगों को ऐसा लगता है कि गैर कांग्रेसी दल जो हैं वो भाजपा को चैलेंज भी दे सकते हैं और हरा भी सकते हैं। ऊपर से अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि ये दूसरे राज्य अगर एक दूसरे से कुछ अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं तो वो करना चाहिए। पंजाब दिल्ली से सीख रहा है, हम पंजाब से सीख रहे हैं, हम कोई बात आंध्र को बता सकें, तेलंगाना के कोई लोग हमसे कुछ सीख सकें, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है और ये होना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि अभी देश अच्छी स्थिति में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी देश भर में किरोसिन का छिड़काव कर रही है, देश की स्थिति कहीं ना कहीं भयानक होती जा रही है। देखिए, देश के अंदर जो युवा कभी अपनी नौकरियों के बारे में सोचता था, आज वो युवा जो है दर दर भटक रहा है, उसके घर में भुखमरी है, महंगाई है और जिस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर जहर का प्रचार भारतीय जनता पार्टी कर रही है उससे देश के अंदर माहौल जो है पिछले 8 सालों में बहुत ख़राब हुआ है। जो न्यूज़ के अंदर चीज़ें चलती हैं वो बहुत ज़्यादा जो हैं नफ़रत फैलाने वाली चल रही हैं, तो इसको तो सरकार को समझना चाहिए वरना इस